नमस्कार, स्वागत है आपका अनुपगढ़ ज्योति न्यूज चैनल में। अभी जो समाचार आ रहा है रायसिंह नगर से। रायसिंह नगर क्षेत्र के गांव 24 पीएस में महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार कई वर्षों से लगातार पति द्वारा शराब पीकर संदीप कौर को परेशान किया करता था और पीड़िता संदीप कौर ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग कर रहे थे, जिसे वह पूरा नहीं करने पर पति ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया और पीड़िता के पति ने बिना बताए दूसरी शादी भी कर ली। तब पीड़िता ने परेशान होकर पुलिस थाना समेजा कोठी में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें पीड़िता का कहना है कि उसके पति उसे साथ नहीं रखना चाहते, जिस पर पीड़िता के दो बच्चे हैं जिन्हें वह अपने साथ रखना चाहती है तथा उनके पालन पोषण के लिए खर्चा एवं दहेज में दिया हुआ सामान वापस लेना चाहती है। पीड़िता का कहना है कि ससुराल पक्ष ने आधा सामान तो वापस दे दिया, परंतु बचा हुआ आधा सामान देने में आनाकानी कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारा अन्य कोई सामान नहीं है, तथा आरोप लगाया है कि उसका पति फ़ोन पर उसे धमकियां देता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महिला ने अपने न्याय के लिए रायसिंह नगर कोर्ट में भी गुहार लगाई है। पीड़िता संदीप कौर का 5 पीएसडी रावला में पी है। शुभ नाम आपका? कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं 5 पीएसडी में रावला के। अच्छा, वहाँ पे पीएन है क्या आपकी? हाँ, तो ससुराल कहाँ आपका? चमाड़ी पीस में। अच्छा, किसके साथ शादी हुई आपकी, उनका नाम बताएं? मंगल सिंह के साथ। तो मामला क्या है, कुछ बताएंगे? पैसे मांगते थे के मारपीट करते थे, कहते पैसे लिया, जमीन छुड़वानी है, 2 लाख की मांग की थी मैंने, क्या नहीं है मेरे पास पैसे जी। तो उसने मेरे को मारपीट कर मेरी बच्ची को और मेरे को घर से निकाल दिया। अच्छा, तो नहीं, शादी को कितना टाइम हो गया आपके? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, क्या पहले भी मारपीट हुई है क्या? हाँ, 2-3 बार हुई थी मारपीट। पहले पंचायत भी गई थी, पहले मैं आ जाती थी, अब तो कोई लेने भी नहीं। यानी ये सिलसिला लगातार चलता रहा ऐसा? हाँ, 10 साल हो गए जी। तो जब ये मारपीट हुई थी, तो जो आपके जो माता पिता हैं आपके पीर पक्ष, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया एप्लीकेशन, पहले तो घर पर आएंगे लेने तो कोई कार्रवाई करेंगे, तो उस देखे रहे। फिर उसने मंगल सिंह ने शादी दूसरी करवा ली। आपके पति का नाम मंगल सिंह? हाँ, मंगल। अच्छा, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है? हाँ, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दी थी। शादी कब की उन्होंने? 10 दिन हो गए, लगभग 10-15 दिन। हाँ, यही है 10-15 दिन। अच्छा जी, फिर अब वो मैंने एप्लीकेशन पर थाने समेजा कोठी में थाने में जी दिया और केस दर्ज करवाया उनके खिलाफ। अच्छा जी, उन्होंने पाई है मंगल सिंह ने? नहीं, उन्होंने कोर्ट में करवाई आपके पति ने। आपको कंफर्म है क्या, इस ये पक्का पता है क्या इस बात का? हाँ, पक्का पता है जी। आपको जो ये आपने जो मुकदमा दर्ज करवाया, कितने दिन हो गए लगभग? मैंने 3rd महीने में करवाया था, 16 तारीख को। जी, कोर्ट में भी गए थे आप? हाँ, कोर्ट में गए थे। तो क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हो? हाँ, मेरे बच्चों का खर्चा। हाँ जी, और कोई जो मेरे जो मंगल सिंह, वो आपको बसाना नहीं चाहता क्या? नहीं बसाना चाहता, इसलिए तो उसका क्या कहना है? शादी करवाई है, कहता मैं नहीं रखता तेरे को। जी, इसलिए मारपीट करता है। कितने बच्चे हैं आपके? 2। अच्छा जी, तो अब इस मुकदमे में क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो? मेरे बच्चों का खर्चा बंधना चाहिए। अच्छा जी, मेरा दहेज जो दिया हुआ, कुछ दिया है, कुछ उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, कुछ सामान आपको वापस दे दिया? हाँ, कुछ सामान दे दिया और कुछ नहीं दिया, जैसे फ्रिज कूलर टीवी वगैरह, कुछ बर्तन भी नहीं दिए। वो मेरे नगद पैसे है, बाली है, पजेब है, वो नहीं दिए, वो भी दे। और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मंगल सिंह मेरे को वापस दे दे इतना सामान।